हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप सभी देख रहे हो मेरी चैनल दीप्तनु शील को। हाँ दोस्तों, तो मैं इस वीडियो पे बात करने वाला हूँ WHO के ऊपर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1 मिलियन से भी ज़्यादा फ्री कोर्सेस अभी इस वक्त आप लोगों के लिए उपलब्ध करा रहा है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर एक जॉब सीकर हो या फिर फ्रेशर्स हो या फिर अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हो, घर बैठे हो, तो ज़रूर इन सारे कोर्सों को एनरोल करो और घर बैठे बैठे इन सारे कोर्सों का मैक्सिमम बेनिफिट लो। आपको भली बात ही मालूम है, आने वाले टाइम पे जो जॉब मार्केट पे एक रिसेशन पीरियड आने वाला है, जहाँ पे हो सकता है जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाए। मगर यहाँ पे आपको एक बात और मालूम है कि आने वाले टाइम पे जो मेडिकल पार्ट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। और ये किस लिए, ये आपको भी भली बात ही मालूम है। तो क्यों ना आप लोग घर बैठे बैठे मेडिकल से रिलेटेड वो सारे कोर्सों को एज ए बिगिनर, एज ए इंटरमीडिएट या फिर एज ए एडवांस लर्नर क्यों ना सीखा जाए। क्योंकि WHO इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन फ्री में वो कोर्सेस को आपके लिए आपके भाषा पे अवेलेबल करा रहा है। आप हिंदी पे भी सीख सकते हो, इंग्लिश पे भी सीख सकते हो। तो क्यों देर, क्यों ना सीखा जाए इन कोर्सों को, क्योंकि आने वाले टाइम पे यही कोर्स हो सकता है आपके जॉब का एक जरिया बन जाए। क्योंकि जॉब आने वाले वक्त पे बहुत कम होगा और रिसेशन पीरियड होगा, तो ये सारे कोर्सेस अगर आप कर लोगे, जहाँ पे WHO फ्री में आपको सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करेगा, तो वो सर्टिफिकेशन हो सकता है आने वाले टाइम पे आपके रिज्यूम पे एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज ऐड करे, एक बहुत ही बड़ा वैल्यू ऐड करे। तो क्यों ना घर बैठे बैठे उन सारे कोर्सों को सीखा जाए। अब बात करूंगा इन कोर्सों को आप कैसे एनरोल होंगे, कहां से करोगे, कहां पे जाना है, कैसे करना है। ये प्रैक्टिकली अगर नहीं दिखाया तो वीडियो अधूरा रह जाएगा। तो चलिए आप लैपटॉप के स्क्रीन पे चलते हैं और आप लोगों को समझाता हूँ इस कोर्स के लिए आपको कैसे एनरोल होना है और आपके भाषा पे इस कोर्स को कैसे लेना है। ऐसा नहीं कि आप 1 मिलियन से सिर्फ एक ही कोर्स कर सकते हो। आप चाहो तो जितना मर्जी आप कोर्स कर सकते हो, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, सारे कोर्स फ्री में है। कोई भी नॉलेज वाला आदमी, स्टूडेंट हो, जॉब सीकर हो, फ्रेशर्स हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, सभी इन सारे कोर्सों को कर सकता है। तो चलिए लैपटॉप के स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को गूगल पे आना है और आके सर्च करना है ओपन हु कोर्सेस। जैसे आप सर्च करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का एक URL आएगा, जहाँ पे लिखा हुआ है openwho.org। तो ये लिंक को ही आपको ओपन करना है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वही है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट। तो यहाँ पे आपको फ्री में बहुत सारे कोर्सेस मिल जाएगा और यहाँ पे एडवांटेज वो है कि आपको आपके भाषा में सीखने का मौका मिलेगा। आप चाहो तो हिंदी में भी सीख सकते हो और इंग्लिश तो अवेलेबल है ही। और सारे के सारे कोर्स जो है आपको फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा, उसी के साथ आपको सर्टिफिकेशन भी फ्री में ही मिलेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये जो है सारे कोर्सेस है, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस आपको मिल जाएगा और सारे के सारे कोर्सेस जो है बिल्कुल फ्री में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं लैंग्वेज पे जाके क्लिक करूँगा तो ये डिफरेंट डिफरेंट भाषा पे आपको कोर्सेस उपलब्ध कराएगा। यहाँ पे इंग्लिश भी है और हमारा हिंदी भाषा में भी कोर्स फिलहाल अवेलेबल है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने हिंदी सिलेक्ट किया तो हिंदी भाषा पे भी कोर्स जो है अवेलेबल आ गया है। आपको सिर्फ जो करना है वो है एनरोल मी फॉर दिस कोर्स। तो अगर आप चाहते हो इसी कोर्स को करने के लिए, यहाँ पे कोई भी कोर्स को करने के लिए, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपको 3 लेवल पे यहाँ पे कोर्स करने के लिए मिलेगा। एक तो है बेसिक लेवल, मतलब बिगिनर लोगों के लिए। एक है इंटरमीडिएट, जो मिड लेवल लोग होते हैं उनको, उनके लिए जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है मेडिकल से। और सबसे ऊपर वाला जो है वो है एडवांस लेवल, जो के होते हैं मास्टरी। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वे में, बहुत सारे डिफरेंट स्टेजेस पे कोर्स करने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। तो अगर आप भी चाहते हो घर बैठे यही कोर्स का बेनिफिट लेने के लिए, इस सारे कोर्स को करने के लिए और अपने रिज्यूमे पे एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करने के लिए, तो आपको सबसे पहले इस कोर्स को करने के लिए लॉगिन वाला जो बटन है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे जाके आपको क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले एनरोल होने के लिए। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू पे मैं क्लिक कर दिया।
जैसे ही क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँगा कुछ इस तरीके का एक फॉर्म आएगा। यहाँ पे आपको जाके आपका जो नाम है वो लिखना है, वो वही नाम लिखना जो आप आपके सर्टिफिकेट पे चाहते हो आने के लिए, तो आप ऑफिशियल नाम ही लिखना। उसी के बाद यहाँ पे आपको आपका ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ये सारे जो है फॉर्म पहले फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको स्टेप दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोनों दोस्तों मैंने मेरा जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो मैं रखना चाहता हूँ वो फिल कर लिया है। आप सिंपली से जो मुझे करना है वो है रजिस्टर फॉर ओपन WHO पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मेरे ईमेल पे एक नोटिफिकेशन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो वी सेंड यू ए कॉन्फर्मेशन ईमेल मेरे मेल में, प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑर्डर टू एक्टिवेट योर अकाउंट। तो आपको कोर्सेस लेने के पहले एनरोल होने से पहले आपको ईमेल पे एक लिंक भेजा है WHO ने, तो वो ईमेल को एक्टिवेट करने के लिए भेजा है। तो उस पर आपको क्लिक करके पहले एक्टिवेट कर लेना है। तो इसके लिए मुझे मेल पे जाना पड़ेगा। तो पहले मैं थोड़ा मेल को ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको स्टेप दिखाऊँ। तो दोस्तों मैं हूँ मेरे मेल के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन हु से मुझे मेल आ गया है। तो आपको भी ऐसे ही मेल आएगा, तो आपको क्लिक करना है। उसके बाद कॉन्फर्म ईमेल पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैंने क्लिक कर दिया। तो जैसे ही कॉन्फर्म ईमेल पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे दोस्तों आप लोग ईमेल को वेरीफाई करोगे और क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे आके पहुँचोगे। यहाँ पे दरअसल जो है वो है आपका प्रोफाइल। तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल को बारीकी से फिल करना है, नहीं तो कोर्स पे एनरोल आप नहीं हो सकते हो। तो मैंने अभी क्या किया ये एक बार समझा देता हूँ। ये नेम तो ऑटोमेटिकली ले लेगा, मगर डिस्प्ले नेम आपको इंक्लूड करना है। यहाँ पे आपका आपका नाम लिखना है, उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना है। ईमेल ऑटोमेटिकली ले लेगा, डेट ऑफ बर्थ आपका जो है वो आपको फिल करना है। उसके बाद रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन करके एक एरिया रहेगा, ये भी आपको फिल करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आप कौन सा प्लेस से हो, मतलब कौन सा स्टाफ हो, HW का स्टाफ हो, क्या हो। तो बेस्ट होगा आप स्टूडेंट सिलेक्ट कर लो जो कि लास्ट पे आता है, नहीं तो वॉलंटियर अदर्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने स्टूडेंट फिलहाल सिलेक्ट किया है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसको भी आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है। तो मैंने नो सिलेक्ट किया, आपको जो सही लगे वो ही सिलेक्ट कर लेना। तो और उसके बाद ये वाला भी सिलेक्ट करना है। तो ऐसे करके आपको ये जो पूरा ऑप्शन है ये फिल कर लेना है। जब तक ये फिल नहीं करोगे तब तक आप कोर्स पे एनरोल नहीं हो सकते। ये आप फिल करने के बाद आपका प्रोफाइल डायरेक्टली आप कोर्स पे जाके यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों कोर्स पे क्लिक करने के बाद एक दूसरा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन होने के बाद हमको मालूम पड़ता है कि ओपन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है 1 मिलियन कोर्सेस। आप एनरोल हो सकते हो, बिल्कुल फ्री में सर्टिफिकेशन मिलेगा अगर आपने कोर्स को 100% मतलब सीख के कॉम्प्लीट किया। तो यहाँ पे जो एडवांटेज है वो है कि आप कौन सी भी भाषा बोलने वाले इंसान हो, आपके खुद के भाषा पे कोर्सेस अवेलेबल है। और यहाँ पे आप देख सकते हो लैंग्वेज पे जाके आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि इंग्लिश के लिए आपको सिर्फ इंग्लिश पे क्लिक करना है, तो इंग्लिश के सारे कोर्सेस आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। और उसके बाद आपको सिंपली से यहाँ पे एनरोल मी पे क्लिक करना है। अगर आप चाहते हो हिंदी के कोर्सेस लेने के लिए, तो आपको सिर्फ लैंग्वेज पे जाके यहाँ पे हिंदी देख सकते हो, हिंदी, तो हिंदी सिलेक्ट कर देना है। तो हिंदी वाला कोर्सेस आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही कोर्स आ जाए तो यहाँ पे आपको मिलेगा एनरोल मी फॉर दिस कोर्स। तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। तो मैंने अभी यहाँ पे क्लिक किया है, देखता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सारे डिटेलिंग मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेलिंग पूरा है इस कोर्स का, और ये जो है यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी दिया गया है इस कोर्स का। तो यहाँ पे एंटर कोर्स, इस पे आप कर सकते हो क्लिक। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया एंटर कोर्स पे, ठीक है। तो आप देखता हूँ क्या होता है। जैसे ही आप एंटर कोर्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरा सिलेबस आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो इस कोर्स पे आपको क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा, ये पूरा डिटेलिंग में आ जाएगा। तो फिर आप नेक्स्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद शायद आपको यहाँ पे अभी एक एक करके जो है कोर्स का डिटेलिंग में आता जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले वीडियो है, आपको वीडियो चेक करना है। तो ऐसे करके आप पूरा कोर्स को यहाँ पे ले सकते हो, एक एक क्लिक कर करके आपको सिलेक्ट कर करके लेना है। तो ये बहुत बहुत हेल्पफुल होगा इस टाइम पे, स्पेशली जब देश पे रिसेशन चल रहा है और जो जॉब है बहुत ही कम होगा आने वाले टाइम पे इस रिसेशन के वजह से। तो इस टाइम पे हेल्थ से रिलेटेड कोर्स अगर आप करोगे तो आपके रिज्यूम पे एक अलग ही वैल्यू इंक्लूड होगा, क्योंकि इस रिसेशन के टाइम पे भी
हेल्थ के जॉब का कोई कमी नहीं होगा। जो प्रेडिक्शन किया जा रहा है आने वाले टाइम पे इंडिया में या फिर कोई भी कंट्री में जो हेल्थ से रिलेटेड कोर्सेस होगा उसका डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हो, आप अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट हो, तो भी आप इन सारे कोर्सों को अभी ले लो ताकि आपके रिज्यूम पे एक वेटेज हो जाए और आने वाले समय पे रिसेशन के टाइम पे भी आपको अच्छा से अच्छा जॉब मिले। तो इन कोर्स को कैसे लेना है ये मैंने पूरा समझा दिया है। आप लोगों को भी वैसे ही कोर्स को लेना है, वैसे ही सीखना है और फाइनली जब आप कोर्स को 100% सक्सेसफुली कंप्लीट कर लोगे तो WHO के तरफ से आपको फ्री में ही सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। और इन सारे कोर्सों को एनरोल होने के लिए आपको सिर्फ स्टूडेंट नहीं तो फ्रेशर्स नहीं तो जॉब सीकर नहीं तो ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी बंदा आके कर सकता है, इस पर कोई इशू नहीं है। और एक बंदा जितना भी कोर्स चाहे उतना कोर्स कर सकते हैं, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप एक ही कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो, दूसरा कोर्स नहीं कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में है। तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट लो क्योंकि सर्टिफिकेशन जो मिलेगा वो एक रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगा। तो इस बात को ध्यान पे रखते हुए अभी ये COVID-19 के वक्त पे आप घर पे फ्री हो तो इन सारे कोर्सों को लो ताकि आने वाले टाइम पे जॉब का आपकी कहीं से भी कमी ना हो। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो पे आपको काफ़ी वैल्यू मिला है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आने वाले टाइम पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।